हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। आज की रेसिपी एक विंटर स्पेशल रेसिपी है, बहुत सिंपल है इसको बनाना। तो पहले आप रेसिपी देख लीजिए और बाद में इसके बारे में कुछ जरूरी बातें डिस्कस करेंगे। तो इस सिंपल सी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। यहाँ हमने 3/4 कप मिल्क लिया है, आप उतना मिल्क लीजिए जितना आपके बच्चे पीते हैं एक बार में। उसके बाद इसका मेन इंग्रेडिएंट है डेट्स, यानी कि खजूर। तो एक बार अभी हम मिल्क सर्व कर रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ 2 खजूर ले रहे हैं। बच्चों की एज के अकॉर्डिंगली आप क्वान्टिटी को एडजस्ट कर सकते हो। 1/4 स्पून हमने यहाँ पे शुगर भी ले लिया है, क्योंकि अभी मैंने ये विंटर्स में देना स्टार्ट ही किया है, तो थोड़ा टेस्ट डेवलप हो रहा है, तो थोड़ा उसको मीठा दे देती हूँ, तो उसको खजूर का पता नहीं चलता। बट आप चाहें तो टोटली इसको अवॉइड कर सकते हैं। अब मैं आपको खजूर भी दिखा देती हूँ मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ। तो ये मैंने अपनी लोकल मार्केट से ही लिया है, यहाँ पर ईजिली मिल जाता है। तो ये डेट क्राउन का खजूर है, प्रीमियम क्वालिटी डेट्स हैं ये। बहुत सॉफ्ट भी है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, तो काफ़ी सॉफ्ट भी है ये। और 15 अगस्त की इसकी पैकिंग है, 1.5 साल तक आराम से ये चलता है। तो इतना टाइम तो मुझे नहीं लगता चलेगा, इतनी हम यूज़ कर रहे हैं तो इसी विंटर में ख़त्म हो जाएगा। बट आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू, क्योंकि आप लोग फिर पूछोगे कि कौन सा खजूर लिया। बट आप अपने लोकल मार्केट में चेक करो, विंटर्स में आपको ये खजूर ईजिली मिल जाएंगे। तो अब हम खजूर को जो है छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे और उसके बीज को अलग कर लेंगे। बीज हमें बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना है, इसका हमें खास ख्याल रखना है, अदरवाइज चोकिंग हो सकती है। अगर आपके बच्चे ऐसे ही खाना चाहें तो आप बीज निकाल के थोड़े छोटे छोटे पीसेस इस तरह से करके बच्चों को एक कटोरी में या प्लेट में दे दीजिए। ये बहुत अच्छा फिंगर फूड का भी काम करता है, बच्चों को ऐसे ही खाना भी बहुत अच्छा लगता है, तो उससे भी बच्चों को इसके फ़ायदे जो हैं वो मिल जाएंगे। और ये दूध डाल लेते हैं। आप कोई भी मिल्क यूज़ कर सकते हैं, काऊ मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो काऊ मिल्क, बफलो कर रहे हैं तो बफलो मिल्क। और अब हम इसको गैस पे चढ़ा देते हैं। तो ये हमने खजूर पहले ही डाल दिया गैस पे चढ़ाने से, मीडियम फ्लेम पे हमने रखा हुआ है। यहाँ पे हम शुगर भी डाल रहे हैं। अब बस हमें ये करना है कि कॉन्स्टेंटली इसको थोड़ा स्टर करते रहना है, खजूर को आप थोड़ा दबाते रहिए ताकि अच्छे से वो दूध में मिल जाए, और बॉयल आने का वेट करना है। बस आपको ध्यान ये रखना है क्योंकि मिल्क की क्वांटिटी काफ़ी कम है, तो मिल्क नीचे ना लग जाए जिससे मिल्क ख़राब ना हो जाए। तो आप इस तरीके से आराम से इसको दबा सकते हैं। छोटे बच्चे जो खजूर खा नहीं पाते हैं, उनके लिए इस तरीके से दूध देना बहुत ही अच्छा रहता है, इससे उनको बहुत फ़ायदा खजूर का मिलता है। ये देखिए, इस तरीके से आपको चलाते रहना है और खजूर को दबाते रहना है। जैसे जैसे खजूर सॉफ्ट होता जाएगा गर्म दूध में, वो और टूटता जाएगा इस तरीके से, तो आप उसे और छोटा छोटा करते रहिए, जिससे जो उसके बेनिफिट्स हैं वो सारे दूध में आ जाएंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट होता जा रहा है और दूध का कलर भी जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये हमारे दूध को बॉईल आ गया, तो इस स्टेज पे हम इसको बंद कर सकते हैं। देखिए, अब आप दो तरीके से ये दूध बच्चे को पिला सकते हैं। पहला है कि आप इसे स्ट्रेन कर लीजिए। स्ट्रेन करने से सिर्फ जो दूध है जिसमें खजूर का अच्छा बेनिफिट आ गया है, वो बच्चे की बॉटल में आप डाल के दे सकते हैं, बच्चे को कप में दे सकते हैं, जैसे भी बच्चे पीना चाहें। दूसरा, अगर आपके बच्चे थोड़ा सा क्रंची खाना पसंद करते हैं, जैसे जो बच्चे आराम से कॉर्नफ्लेक्स खा लेते हैं दूध वगैरह में, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो तो सिप सिप लेके आराम से इस दूध को भी ले सकते हैं, पूरे के पूरे खजूर के मटेरियल के साथ ही। खजूर एकदम सॉफ्ट हो चुका है, छोटा छोटा हो चुका है, तो बच्चा आराम से खा लेगा। नहीं तो आप भी स्पून लेके उसको जो खजूर खाने वाला पार्ट है वो खिला सकते हैं और बाकी का दूध बच्चा पी सकता है, तो इससे पूरा ही बेनिफिट बच्चे को मिल जाएगा। तो ये कर लिया हमने स्ट्रेन यहाँ पे। ये जो खजूर के पीसेस हैं इसको वेस्ट नहीं कीजिए, आप ही ये चम्मच भर के खा लीजिए, इससे आपको भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। नॉर्मली मॉम्स जो हैं वो बच्चों के लिए इतना कुछ बनाते हैं करते हैं, बट अपने आप को इग्नोर कर देते हैं। तो इस स्टेज पे आप दूध जो है बच्चे को दे दीजिए, बट बाकी का खा लीजिए। वैसे आप देखिए, आप इस तरीके से जब मैश करेंगे छन्नी में तो हार्डली ही कुछ रह जाएगा। हमने 2 खजूर लिए थे और आप देख सकते हो कि कितना कम उसका पल्प जो है वो अब रह गया है। तो ये आपका यमी यमी खजूर का दूध तैयार हो गया है। ये जब ल्यूक वार्म हो जाए तो आप बच्चे को सर्व कर दीजिए। तो जैसे कि आपने देखा, इसको बनाना बहुत ही सिंपल है और बहुत फटाफट बन जाता है। मैंने रिसेंटली एक वीडियो किया था अपने चैनल पे ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स के लिए, कि कैसे आपको विंटर्स में ये जरूर इंक्लूड करने चाहिए अपने बच्चों के खाने में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके जरूर देखिए।
उसमें मैंने ये भी बताया था कि खजूर जो है एक ऐसी चीज है जो विंटर्स में इजीली मिल जाता है, और खजूर बॉडी को बहुत अच्छी वार्मथ देता है, गर्मी देता है बॉडी को, और जो ये इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही होती है, पॉटी की प्रॉब्लम हो रही होती है, कॉन्स्टिपेशन, इस सबसे भी काफी रिलीफ देता है, बिकॉज बहुत अच्छी मात्रा में इसमें डाइटरी फाइबर भी पाया जाता है अपार्ट फ्रॉम आयरन एंड अलॉट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए खजूर बच्चों की डाइट में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। इसके बहुत सारे तरीके हैं, कुछ बच्चे जो बड़े बच्चे होते हैं वो सीधा खजूर खा सकते हैं अगर आप उसकी सीड निकाल के उन्हें दे दें, नहीं तो कुछ लोग तो खुद सीड निकाल भी लेते हैं। अदरवाइज जैसे कि आप कैलकटा साइड पे रहते हैं जहां पे खजूर का सिरप इजीली मिल जाता है, मुझे याद है कबीर के दादू ठम्मा उसके लिए लास्ट ईयर लेके आए थे, अगर वो मिल जाता है तो जैसे आपने बच्चे का दूध जो है जब वो गुनगुना है उस टाइम पे जैसे हम शहद मिक्स कर देते हैं दूध में, तो आप वो खजूर का सिरप डायरेक्टली मिक्स कर सकते हैं, या आप खजूर का सिरप घर पे बना सकते हैं और फिर डायरेक्टली उसे मिक्स करके दे सकते हैं, वो तो और भी आसान तरीका है। नहीं तो अगर आपके पास सिरप नहीं है तो ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप खजूर का जो बेनिफिट है वो बच्चे को दे सकते हैं। काफी बच्चे खजूर खाना प्रेफर नहीं करते, अब किस तरीके से उन्हें दें, तो दूध में इस सिंपल फॉर्म में आप बच्चे को खजूर दे सकते हो, क्योंकि दूध की गर्मी जाती है, खजूर की गर्मी जाती है, तो बच्चा काफी वार्म फील करता है, तो विंटर्स के लिए परफेक्ट है। इवनिंग टाइम पे इसको देना प्रेफर करो या फिर रात के टाइम पे देना प्रेफर करो, बिकॉज उस टाइम पे ठंड ज्यादा होती है और बॉडी को गर्मी की ज्यादा जरूरत होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा तो लाइक बटन जरूर हिट कर देना, एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर सो मेनी मोर सच रेसिपीज, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज, फन वीडियोज, बेसिकली अ लॉट ऑफ वेराइटी दैट यू विल सी ऑन पेरेंटिंग एंड चाइल्ड केयर। And with that, I will sign off and see you next week. Thank you. Bye-bye.